नमस्कार। अगर आपके मोबाइल पर स्क्रीन लॉक का सेंसर नहीं लगा है, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं लगा है, तो हम आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट अनलॉक या फिंगरप्रिंट के द्वारा अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कैसा करना है, तो चलिए चलते हैं। तो ये लॉक आपके मोबाइल के जो कैमरा के माध्यम से ये काम करेगा, तो ये 100% ये काम करता है। तो इसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर हमको लिखना है आपको ICE अनलॉक। अनलॉक तो यहां पर देखिए ये ओपन हो चुका है ये पेज। तो पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहां पर देखिए मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रख लिया है। तो इसको 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, ये 4.2 इसका रेटिंग है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको कुछ परमिशन देना पड़ेगा। ये हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। करने के बाद ये जो लिखा हुआ लेस को यहाँ पर ओके करना है। ओके होने के बाद अब जाना है यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आपसे पिन मांगेगा। तो ये पिन किस लिए, जैसा मान लीजिए आपको कभी पिन कोड के माध्यम से इसका अनलॉक करना है, तो आप पिन कोड के माध्यम से इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको पिन कोड डाल दिए, आप मतलब पिन कोड से भी होगा और आप अपना फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इस पर पिन कोड डाल देते हैं। तो आप ऐसा कोई पिन कोड डालेंगे जो आपको याद रहे। तो जैसे मैंने सिंपल डाल देते हैं 1 2 3 4। अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर दोबारा उसी पिन को डालना है 1 2 3 4। अब इसको ओके कर दिए। ओके होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको स्लाइड करते हैं इस टाइप में। स्लाइड होने के बाद आने के बाद अब यहाँ पर फिर यहाँ टिक मार करके इसको कंटिन्यू में ओके कर दिए। ओके होने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक लेफ्ट वाला हैंड आया और राइट वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पांचों उंगली है इनमें से आपको जिस उंगली के माध्यम से आपको फिंगरप्रिंट का यूज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसा मैं भी ये लेफ्ट हैंड का ये बीच वाला जो है मिडिल वाला इस उंगली को फिंगरप्रिंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसको पहले क्या करेंगे, ओके करेंगे। ये ओके हो गया। ओके होने के बाद यहाँ पे देखिए ये इस टाइप में निशाना गया, आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाएगा, एक कैमरा के माध्यम से काम करेगा। तो इसके लिए देखिए पहले इसको यहाँ पर हम अपना ये पांचों उंगली है इनमें से इस उंगली को मैंने सिलेक्ट किया था, तो इसको यहाँ पर रखना है। तो ये रखने के बाद ये कैमरा इसको सेंस किया, तो ये 5 बार होगा, सॉरी 7 बार होगा, 1 बार हो चुका है। फिर दोबारा रखते हैं, इसको हमको सेट करना है कि किस पे काम करना है। तो यहाँ पे रखने के बाद दोबारा रखें, ये 2 हुआ, फिर तीसरा बार ये अलग अलग पोजीशन में उंगली का जो फिंगरप्रिंट है ये सिलेक्ट करता है। 3 बार हो चुका है, 4 5 6 और 1 बचा, ये हो गया 7, ये हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखा है इस जगह पे
ये मैच हो चुका है, अब हमको आपको इस जगह पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद तो यहाँ पे देखिए ये ऑन और ऑन हो चुका है। तो जैसा कभी आपको इस ऐप का यूज नहीं करना तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको यूज करने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये आपका सेट हो चुका है। तो अब इसको बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हम इसको देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए अब इसका यूज करते हैं। तो पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन को अब ऑन किया। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे अपना फिंगर को लेके गया, उंगली को, तो ये अपना सेंस करके इसको ओके कर लेगा। तो देखिए ये देखिए ये ऑल लॉक हो चुका है। अब जैसे हम दूसरा उंगली लगा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, तो इस उंगली का यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए ये देखिए इस उंगली से अनलॉक नहीं हो रहा है, मतलब हमारा सिर्फ इस उंगली से ही अनलॉक होगा। तो ये देखिए ये ओके किया। तो इस तरह से काम करता, मतलब किसी दूसरे का उंगली से काम नहीं करेगा, आपकी उंगली से ही काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कभी इसको पासवर्ड के माध्यम से इसको अनलॉक करना है उंगली से नहीं, तो यहां पे देखिए ये जगह पे इसको ओके किए। ओके करने पर यहां पे मैंने जो पासवर्ड डाला था 1234, तो ये भी अनलॉक हो गया। तो आपके मोबाइल पे फिंगरप्रिंट सेंसर ना होते हुए भी आपका जो मोबाइल फिंगरप्रिंट सेंसर बन जाएगा। तो ये कैमरा के माध्यम से काम करता, अपना जो मोबाइल का कैमरा है तो ये कैमरा से ये काम करता। तो ये देखिए तो कैमरा के माध्यम से काम करेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहां पे टच किया, कोई उंगली अगर माल खींच ले कभी काम ना करे या गलत उंगली रखने पर काम ना करे, तो आप इस कार्ड कोड के माध्यम से इसको खोल सकते। धन्यवाद।